रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प ने बेसहारा और सड़कों में घूम रहे गौवंशों के लिए व्यवस्था बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि गौवंशों के सड़कों में आने के कारण वो ट्रक एवं अन्य वाहनों से दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व कोटवार ग्राम पंचायतों में बाणे एवं कांजी हाउस की व्यवस्था कर आवारा पशुओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पशुओं के खाने पीने और उनके आश्रय की विधिवत व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। सड़कों में घूमने वाले बेसहारा गौवंशों को पहले से बने कांजी हाउस एवं ग्राम पंचायतों में बने बाड़ों में सुरक्षित आश्रय दें। इन व्यवस्थाओं के लिए संबंधित ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायतें, नगर परिषद और नगर पालिका निगम उत्तरदायी हैं। यदि पशुओं पर क्रूरता किया जाना पाया जाता है तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने इस दौरान कहा कि तहसील के अंतर्गत बेसहारा पशुओं को ट्रक एवं अन्य वाहन से सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए तहसील में पूर्व से निर्मित अस्थायी बाड़ों में सुरक्षित करें। उनकी देखभाल और व्यवस्था नियमित तौर पर स्थानीय एजेंसी के माध्यम से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी करेंगे और इसकी समीक्षा भी करेंगे। समय समय पर वो अपने भ्रमण के दौरान स्वतः इन स्थानों का निरीक्षण कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। वहीं किसी प्रकार की व्यवस्था पाए जाने पर उत्तरदायित्वों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।